हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको दिखाऊंगी बेसन की एक ऐसी सब्जी जिसे खाकर आपको बहुत ही मज़ा आ जाएगा। ये सब्जी बहुत ही स्वादिष्ट होती है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। इस सब्जी के लिए पहले हम बेसन की बड़ी बनाएंगे। बेसन की बड़ी के लिए यहाँ पे मैंने लिया है 2 चम्मच लहसुन और हरी मिर्च की पेस्ट, 1 चम्मच जीरा, 1 बाउल कटा हुआ धनिया, 1 चम्मच राई और ये लगभग 1 बाउल बेसन। पैन में यहाँ पे मैंने लिया है 2 चम्मच ऑयल, इसमें जाएगा 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच राई और 2 चम्मच लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट। इसे हम ऑयल में अच्छे से भून लेंगे। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1 चम्मच हल्दी पाउडर। अब इसमें जाएगा 1/2 बाउल कटा हुआ धनिया। धनिया को भी अच्छे से फ्राई करेंगे ऑयल में। सब इंग्रेडिएंट अच्छे से ऑयल में फ्राई करेंगे, इससे बड़ी का स्वाद बहुत ही अच्छा आ जाएगा और बड़ी बहुत ही स्वादिष्ट बन जाएगी। अब इसमें ऐड करेंगे 1.5 ग्लास पानी। ऐड करेंगे नमक स्वादानुसार। अब इसमें हम ऐड करेंगे बचा हुआ 1/2 बाउल धनिया। जब ये पानी बॉईल होने लगेगा इसमें हम ऐड करेंगे 1 बाउल बेसन। इसे पानी में अच्छे से मिक्स करना है, जब तक ये गाढ़ा नहीं होता है तब तक इसको अच्छे से स्टीयर करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने दाल का स्मैशर लिया है, उसी से इसको स्टीयर करना है, क्योंकि यहाँ पे गुठली नहीं होनी चाहिए, इसलिए इसको ऐसे स्टीयर करना है। थोड़ा सा ऑयल ऐड करना है ऊपर से ताकि वो चिपक ना जाए और फिर से इसको अच्छे से स्टीयर करना है। पैन पर ढक्कन रख के गैस को ऑफ करना है। अब थाली को हम ऑयल लगाएंगे। ये थोड़ा सा ठंडा होने के बाद अब हम इसकी बड़ी बनाएंगे। तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे कैसे बड़ी बनाया है। हाथ को थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और इसको प्रेस करेंगे ऐसे। दो मिनट ये ठंडा होने के बाद इसको अच्छे से काट लेंगे छोटे छोटे पीसेस में। बन गई हमारी बेसन की स्वादिष्ट बड़ी। ये ऐसे भी खाने में बहुत टेस्टी लगती है। अब हम सब्जी के लिए यहाँ मसाला तैयार करेंगे। यहाँ पे मैंने लिया है 1 बाउल कटा हुआ हरा धनिया, 1 बाउल कटा हुआ प्याज, 1.5 इंच अदरक के टुकड़े, 10-12 लहसुन की कलियाँ और 1 बाउल पिसा हुआ कोकोनट। पैन में 1/2 चम्मच ऑयल डालेंगे, उसमें हम प्याज को भूनेंगे अच्छे से। जब तक प्याज गोल्डन नहीं हो जाता है तब तक हम प्याज को भूनेंगे।
प्याज अच्छे से फ्राई हो गए हैं, अब हम कोकोनट को भी फ्राई करेंगे अच्छे से। कोकोनट को भी अच्छे से गोल्डन कलर होने तक भूनेंगे। अब इसको मिक्सर में ग्राइंड करेंगे और अच्छा फाइन पेस्ट बनाएंगे। गैस ऑन किया है, अब मैंने पैन में 4 चम्मच ऑयल लिया है। ऑयल गर्म होने के बाद अब इसमें ऐड करेंगे पिसा हुआ मसाला। मसाला अच्छे से ऑयल में फ्राई करेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच होममेड काला मसाला। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें हम ऐड करेंगे एवरेस्ट का रॉयल गरम मसाला 1 चम्मच। ऐड करेंगे सुहाना का किचन किंग मसाला 1 चम्मच। मसालों को थोड़ा थोड़ा पानी डाल के अच्छे से भूनना है ऑयल में। जब तक ये मसाले ऑयल में अच्छे से भूनेंगे नहीं तब तक स्वाद नहीं आएगा। तो अच्छे से 2 बार थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मसालों को अच्छे से भूनना है। आप देख सकते हैं मसाले अच्छे से फ्राई हो गए हैं ऑयल में। अब इसमें हम ऐड करेंगे 2 ग्लास पानी। ऐड करेंगे नमक स्वादानुसार। अब ऐड करेंगे कटा हुआ हरा धनिया। आप देख सकते हैं सब्जी का कितना अच्छा टेक्सचर आया है। बड़ी पर ऐसे करी डाल के इस सब्जी को खाते हैं और ये सब्जी बहुत ही डिलीशियस और टेस्टी है। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर मेरी रेसिपी पसंद आ गई हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू सो मच।